अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। एक जिज्ञासु पर्यटक एक बार किसी घाटी में घूमने के लिए गया। वह जगह उसके लिए पूरी तरह से नई थी। वह घाटी के रास्ते नहीं जानता था और वह यह भी नहीं जानता था कि वहां पर कहां से अपना भ्रमण आरंभ करे, यानी घूमना कहां से है, इस बात का भी उसे ज्ञान नहीं था। तभी उसने वहां पर एक चरवाहे को देखा। चरवाहा जो अपनी भेड़ बकरियां चराता है, वही आसपास के इलाके का ही था। तो उसने चरवाहे को देखा जो अपनी खोई हुई भेड़ की खोज कर रहा था। उसे जब यह ज्ञात हुआ तो उसने चरवाहे को उसकी खोज में उसका साथ देने का प्रस्ताव दिया। इस तरह से वह चरवाहे को उसकी भेड़ को खोजने में सहायता भी कर सकता था और साथ ही अपनी घूमने की इच्छा को भी पूरा कर सकता था। तो अब वे दो असाधारण साथी, एक चरवाहा और एक पर्यटक, दोनों ही असाधारण साथी दिन भर घाटी में घूमते रहे, एक अपनी भेड़ की खोज में और दूसरा उस आकर्षक स्थान के दर्शन के लिए। जब शाम हो गई तो चरवाहे ने भेड़ को पाने की आशा छोड़ दी और वह पुनः अपने घर की ओर लौटने लगा। पर्यटक भी उस चरवाहे के साथ ही चला गया और रात में भी उसी के घर ठहरा। अगले दिन चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने और अन्य कार्य करने के लिए निकला तो पर्यटक भी उसके साथ ही हो लिया। पर्यटक को अब घाटी में घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। घाटी के विविध नजारे और अद्भुत सौंदर्य ने उसका मन मोह लिया था। वह बस घाटी का ही होकर रह गया था, समझो। घाटी में घूमने का अब तक तो वह आदि हो चुका था, क्योंकि घाटी में घूमने का जो रस उसे आ रहा था, उसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। घाटी के दृश्यों का सौंदर्य रस ही नहीं, बल्कि कठिनाइयों का कड़वा रस, क्योंकि जब एक व्यक्ति प्राकृतिक स्थल पर रहता है तो वहां की अपनी कुछ दिक्कतें भी होती है, वहां पर रहने की अपनी कुछ परेशानियां और समस्याएं भी होती है, लेकिन उन सभी कठिनाइयों का कड़वा रस और फिर घूम घूम कर थकने के पश्चात विश्राम करने का मधुर रस, इन सब की अब उसे आदत लग चुकी थी। यह सब कुछ उस पर्यटक के लिए एडिक्टिव सा बन गया था, व्यसनकारी हो गया था। तो अब चरवाहे ने भी पर्यटक को इस अनुबंध पर अपने साथ ले लिया कि वह उसकी भेड़ों की देखभाल करने में सहायता करेगा। लेकिन पर्यटक को चरवाहे का काम करना तो आता नहीं था, सो उसने चरवाहे की कॉपी करनी शुरू कर दी। जिस तरह से चरवाहा करता था अपनी भेड़ों की देखभाल, भेड़ों को चराना इत्यादि, उसके सारे कार्यकलाप वह उन सब की कॉपी करने लगा। उसके देखा देखी वह भी ज्यों की त्यों क्रियाएं आचरण करने लगा और इस तरह से करते करते उसे कई दिन बीत गए। ऐसा करते करते सिर्फ कुछ दिन ही नहीं बल्कि कई महीनों बीत गए और धीरे धीरे वह भूल ही गया कि वह पर्यटक है, चरवाहा नहीं, यानी कि वह अब अपनी वास्तविक पहचान भूल गया था। और कहा यह जाता है कि वह पर्यटक आज तक उस घाटी में घूम रहा है और उन भेड़ों को चरा रहा है जो कि वास्तव में उसकी है ही नहीं, और वह एक चरवाहे की जिंदगी की सभी कठिनाइयों को भी जीता है। हालांकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ छोड़ सकता है और एक बार पुनः एक पर्यटक बन सकता है और किसी अन्य पर्यटन स्थल का आनंद लेने के लिए वहां से जा सकता है। उसकी अज्ञानता के अलावा उसे वहां पर कोई नहीं रोक रहा है। यदि भाग्य उसका साथ दे और कदाचित उसे कोई गुरु मिल जाए जो उसे उसकी वास्तविक पहचान करा दे कि वह वास्तव में कौन है, वह एक चरवाहा नहीं बल्कि पर्यटक है, तो उसे उसकी जो वास्तविक पहचान करा दे तो ठीक,
अन्यथा वह घाटी में अनंत काल तक भटकता ही रहेगा। ठीक उस पर्यटक की भांति हमारी भी स्थिति है। हम सब भी इस संसार रूपी घाटी में आए भ्रमण करने के लिए। कहते हैं ना, भव भ्रमण, ये संसार का भ्रमण चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, हमारा मन इसी संसार की घाटी में रम गया और हम यहीं के होकर रह गए। इस संसार के चित्र विचित्र लुभावने दृश्य, मनमोहक इसकी सुंदरता और शब्द रूप गंध रस स्पर्श, इन पांचों ही इंद्रियों के विषय सुखों में हम आसक्त हो गए। हमारा मन यहीं पर मोहित हो गया। इसी को तो मोहनीय कर्म कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसार में हमने सिर्फ अच्छाई अच्छाई का ही स्वाद चखा हो, हमने सिर्फ सुख का ही अनुभव किया हो, ऐसा तो नहीं है। इस संसार में सभी को सुख के साथ साथ दुख का भी अनुभव करना ही पड़ता है। इंसान चाहे या ना चाहे, लेकिन हम सभी को यहाँ पर दुख का भी वेदन होता है। इस संसार में रहने की अपनी कुछ कठिनाइयां भी है, कुछ समस्याएं भी है। अब हम लोग देखते ही है ना कि इस दुनिया के अंदर कितने सारे लोग हैं जिन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो किसी को अपनी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, उनके जो रिश्ते नाते हैं, संबंध है, वे ठीक से नहीं निभा पाते हैं, उस वजह से वे परेशान रहते हैं, तो संबंधों में दिक्कतें हैं, तो किसी को अपने स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है। इस तरह से हम देखें कि इस दुनिया के अंदर अनेकों तरह की परेशानियों, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना हम सभी लोगों को करना पड़ता है। लेकिन इन सभी के बीच में भी सुख पाने की उम्मीद, वो शहद की एक बूंद पाने का मीठा रस, उसकी जो लालसा है, वह हमसे छूट नहीं पाती है। और इन सब की अब हमें आदत पड़ चुकी है, लत लग गई है इसी संसार के सुख दुख के बीच में रहने की, इसी संसार के कड़वे और मीठे, स्वीट और बिटर एक्सपीरियंसेस के साथ में ही जीने की, सुख की उम्मीद में ये दुख भी झेल लिया जाता है। तो इस तरह से इस संसार की ये जो लत लग गई है, इसी के परिणाम स्वरूप हम सभी लोग जो अपनी हमारी वास्तविक पहचान है, जो हमारा असली स्वरूप है, जो कि शुद्ध आत्मा का है, हम सभी शुद्ध आत्म रूप हैं। लेकिन इस असली रूप को तो हम कहीं दूर भूल चुके हैं और बने बैठे हैं एक चरवाहा। कैसे चरवाहा, कैसे कि इस संसार में आकर के हमें एक नाम रूप आकृति और एक पहचान मिली। जैसे कि हम कहें कि किसी का नाम मिस्टर मोहन राकेश है और वो एक श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, तो कोई बहुत ही बढ़िया वकील है। तो इस तरह से इस संसार में हम सबको एक अलग अलग नाम मिली, एक अलग अलग आकृति मिली, एक अलग अलग पहचान मिल गई। और फिर हम सबको ये जो किरदार मिले हैं, कोई माता है तो कोई पिता है, कोई भाई है बहन है, बेटा है बेटी है, पति है पत्नी है, ये सारे रिश्ते नाते जिनमें हम बंधे हुए हैं, ये सब हमें मिले हुए किरदार हैं, ये सब वो पात्र हैं जिनकी भूमिका हमें निभानी थी। लेकिन हम लोग तो पूरे के पूरे कैरेक्टर में ही घुस गए, हम किरदार निभा नहीं रहे हैं, हम तो पूरे के पूरे वो ही किरदार बन चुके हैं। हमने इन्हीं सब नाम रूप आकृति और इन्हीं सब किरदारों को अपना असली स्वरूप मान लिया है, इन्हीं को हम सच माने बैठे हैं और फिर इसी तरह के कार्यकलापों में हम जिए चले जा रहे हैं। जो भूमिका हमें मिली, वही भूमिका को हम सच मानकर उसी के अनुरूप ढल चुके हैं। और इस तरह से ये विविध रोल्स निभाते 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 हम जो वही बन गए हैं, उसी के साथ अपना आइडेंटिफाई कर लिया है, उसी के साथ एक ही रूप हो गए हैं। तो इसी वजह से हम बार बार इसी संसार की घाटी के अंदर भटकते चले जा रहे हैं, जन्म मरण करते चले जा रहे हैं। कदाचित किसी किसी इंसान के पुण्य का उदय होता है तो उसे उसके जीवन में सद्गुरु का सानिध्य मिल जाता है, उसके जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है और तब
वे सद्गुरु उसे यह ज्ञान कराते हैं कि वह वास्तव में कौन है। वह वास्तव में मिस्टर सो एंड सो नहीं है, जो हमें ये नाम मिला, जो आकृति मिली, जो ये पहचान मिली है कि हम एमडी हैं, हम एलएलबी हैं, ये सारी डिग्रीज, ये सारे पोस्ट, ये सारे डेजिग्नेशंस, ये सारे रोल्स, ये हम नहीं हैं। सद्गुरु हमें ये ज्ञान कराते हैं कि तुम ये सब नहीं हो और ना ही ये तुम्हारा स्थायी निवास स्थान है। ये संसार हमारा सदा के लिए रहने वाला घर भी नहीं है। ये सब ज्ञान सद्गुरु उसे कराते हैं। सद्गुरु हम सबको मिले हैं और सद्गुरु हम सबको यही समझाते हैं कि पिंजरे के पंछी रे तू भूल गया निज नाम, पिंजरे के पंछी रे तू भूल गया निज नाम, भूल गया निज नाम कहाँ है तेरा अपना धाम रे, पिंजरे के पंछी रे तू भूल गया निज नाम। हम सभी हैं तो मुक्त गगन के उड़ते हुए स्वतंत्र पंछी, लेकिन बने बैठे हैं पिंजरे के पंछी। और फिर ये जो पिंजरा है, ये जो कैद है इस संसार में, ये जो हम बोलते हैं ना कि ये रिश्ते नाते, ये सभी ऐसा बंधन जो हमने बांध लिया है, ये कैद में हमें किसी और ने नहीं डाला है। लोग कहते हैं क्या करें, अब तो ये संसार से हम छूट ही नहीं सकते, ये कैद ही ऐसी है, ये बंधन ही ऐसे हैं कि छूटते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये बंधन हम पर किसी और ने डाले हैं, ये पिंजरा किसी और ने हमें इसके अंदर डाल करके हमें लॉक कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पिंजरे में, इस कैद में, इन बंधनों में हम अपनी ही इच्छा से, हम स्वेच्छा से कैद हैं, हमें किसी और ने नहीं बांधा है। हम जब चाहें तब इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, इस पिंजरे को खोल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम सभी अपने अपने अज्ञान और मोह के कारण से यहाँ पर कैद है। हमारा अज्ञान और हमारा मोह ही हमें इस संसार में बार बार भ्रमण करवा रहा है, हमारे संसार में भटकन का कारण बन रहा है। सद्गुरु एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो कि हम सभी को अपने अज्ञान से दूर कराने और ज्ञान का बोध कराने और हमारे इस मोह की नींद से हमें जगाने के लिए आते हैं। वे हमें ज्ञान कराने के लिए इस दुनिया के अंदर हमेशा मौजूद रहते हैं। जानकार लोग बताते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि इस दुनिया के अंदर गुरु शक्तियाँ मौजूद ना हो। गुरु तत्व इस संसार के अंदर सदा सर्वदा विद्यमान रहता ही है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग अपने अज्ञान में और अपने मोह की नींद में, मोह की खुमारी में इस कदर व्यस्त हैं, इस कदर उलझे हुए हैं कि हम ना तो सद्गुरु को देख पाते हैं, ना ही हमें उन्हीं उनकी वाणी सुनाई देती है। यानी सद्गुरु तो यहाँ पर सदैव मौजूद है, क्योंकि वे तो हवा की भांति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हमेशा अप्रतिबंधित रूप से सर्वत्र मौजूद रहती है ना। अगर हवा ना हो तो एक भी इंसान जी नहीं सकता, जीवित नहीं रह पाएगा। उसी तरीके से सद्गुरु भी हवा की भांति है, वायु की भांति है, जो मुक्त रूप से, अप्रतिबंधित रूप से सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहते ही हैं, चाहे कोई उन्हें देख पाए या ना देख पाए। इसी तरह से सद्गुरु फूलों में व्याप्त खुशबू की भांति होते हैं। जिस तरह से फूलों की खुशबू दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पूरे वातावरण को महकाती अवश्य है, ठीक उसी तरह से सद्गुरु होते हैं, जो चाहे हमें दिखाई दे अथवा ना दिखाई दे। क्योंकि कई बार लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि आज के युग में भला सद्गुरु है कहाँ, आज के दौर में ऐसे सच्चे गुरु मिलते ही कहाँ हैं। प्रश्नकर्ता अपनी समझ से प्रश्न कर रहा है, लेकिन उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि बात दरअसल इससे बिल्कुल विपरीत है। सद्गुरु तो यहाँ हमेशा है, चाहे कोई सा भी दौर हो, कोई सा भी युग हो, चाहे हम उसे सतयुग कहें, चाहे कलयुग कहें, चाहे कोई सा भी युग, कोई सा भी समय, कोई सा भी जमाना उसे नाम दे दे, लेकिन
गुरु तत्व और गुरु शक्तियाँ हमेशा ही इस सृष्टि के अंदर विद्यमान रहती है, चाहे फिर वो देहस्थ हो यानी किसी न किसी देह का आकार लेकर के आई हो, चाहे वे देह मुक्त हो, चाहे वे देहातीत अवस्था में हो, लेकिन गुरु शक्तियाँ इस सृष्टि के अंदर हमेशा मौजूद है। इसीलिए हमने कहा वायु की भांति या फूलों में व्याप्त खुशबू की भांति हमें चाहे दिखाई दे अथवा नहीं दिखाई दे, लेकिन गुरु शक्तियाँ इस दुनिया के अंदर हमेशा विद्यमान रहती है और ये इंतजार करती है कि कब कोई इंसान इस संसार रूपी घाटी की भटकन से थक जाए और फिर वो पुकारे, वो कहे कि अब तक भटका जग में अटका, अब क्यों भटकूं नाथ, अब तक भटका जग में अटका, अब क्यों भटकूं नाथ, मुझ बालक को पार करा दो यह भव सागर कूप, नैश्रय नाव में रहूं, गुरु के पाव में रहूं। जब किसी व्यक्ति के भीतर थोड़ी थोड़ी जागृति आनी शुरू होती है, थोड़ा थोड़ा उसका सोया हुआ विवेक जागने लगता है, जरा सी मोह के नशे से उसकी जाग आती है और तब उसे ये एहसास होता है कि मैं जिन नाम रूप के साथ मैं बंधा हुआ हूँ, जो ये रोल्स निभा रहा हूँ, इन सब से अब मैं थक चुका हूँ, इस भटकन से अब मुझे बाहर आना है। और तब जब ये सच्ची इच्छा, ये जिज्ञासा, ये अभिलाषा किसी के भीतर जगती है, तभी सद्गुरु उसे ज्ञान कराने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अन्यथा तो हम सभी लोग इतनी गहरी मोह के नशे के अंदर आबद्ध है, इतनी गहरी सुप्त अवस्था में जी रहे हैं, ये मैं, मेरा, तेरा, ये दुनिया, ये संसार, ये मेरा जो माँ पिता भाई बहन, ये सब जो किरदार हमने बना लिए हैं, व्यापारी, तो दिन रात हम हमेशा ही या तो डर में रहते हैं, किसी न किसी तरह का डर हमें एनी टाइम हमारे भीतर कायम रहता है, और या फिर हम हमेशा ही कोई ना कोई चिंता में रहते हैं, क्योंकि ये जो रोल्स हमारे ऊपर लादे हुए हैं ना, इन रोल्स की हमें हमेशा ही चिंता रहती है। आप देखें ना, अपने आप का अनुभव ही लें कि हमेशा या तो हमें कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, इस साल तो व्यापार ठीक चल गया है, अब देखो अगले साल कितना चलता है, हे भगवान अगले साल भी हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहे, ये घर परिवार सब में सुख शांति बनी रहे, अब तक तो ठीक है, आगे कैसे चलेगा, बेटी की शादी कैसे होगी, कल को कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, ये कितनी तरह की चिंताएं हमारे भीतर हमेशा 24 घंटे 365 दिन जो जागते या सोते, जिसको हम रात की नींद कहते हैं, उस समय में भी हमारे अंदर चिंताएं ही लगी रहती है और लगा रहता है साथ के साथ एक अनजाना सा डर, क्या होगा पता नहीं। ये अनजान डर, ये चिंता, ये हमेशा ही हमारे भीतर हमको सोए हुए रखती है, हमारे को अज्ञान के अंधकार में डाले रखती है। और या फिर अगर किसी के भीतर ये डर और चिंता, ये इन्फीरियोरिटी की भावना नहीं है, तो जब सब कुछ किसी की ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, जिसे वो सुख कहता है, जो उसके मनोनुकूल परिस्थितियां हैं, वो सब कुछ चला करती है, तो उसके भीतर क्या होता है, लालच का भाव, उसके भीतर हमेशा लालच रहता है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहे। और फिर जितना जिसे मिल जाता है ना, उससे कभी भी कोई भी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और चाहिए और चाहिए। तो ये जो और चाहिए वाली जो कामना है, या तो इंसान इसमें रहता है कुछ पाने की चाहत, हम सबके भीतर है कुछ पाने की चाहत, और या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। हाँ, हमारे सबके मन की एक आदत है कि मन हमारा हमेशा ही एक अति से दूसरी अति पर डोलता रहता है, यानी जब कभी इंसान नाराज होता है, अपने आप से नाराज हो जाता है, अपने आसपास वालों से नाराज हो जाता है, इस जीवन से नाराज हो जाता है, इस अस्तित्व से नाराज हो जाता है, तब वो क्या कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सब लोग यहां से चले जाओ, ना मुझे भोजन चाहिए, ना मुझे खाना खाना है, ना मुझे मेरी माँ चाहिए, ना मुझे मेरे पति चाहिए, ना मुझे पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तुम सब लोग चले जाओ। तो इस तरह से या तो इंसान को हमेशा कुछ पाने की लगी रहती है, और या फिर वो सबको नकारने का भाव उसके भीतर चल रहा होता है।
अक्सर नाराजगी में ऐसी ही स्थितियां चलती है कि वो सबको नकारता चला जाता है। तो ये चाहे कुछ चाहिए चाहे कुछ नहीं चाहिए, ये सारे जितने भी डर, चिंता, ईर्ष्या, लालच, ये सब कुछ नेगेटिव इमोशंस, इन सभी में हम लोग इतने खोए हुए रहते हैं कि हमारे को कभी भी ये फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम अपनी जरा सी आंख खोलें और जरा से कान खोलें कि हमें सद्गुरु की वाणी सुनाई दे। सद्गुरु जो हमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ये वास्तविक नाम पहचान नहीं है, तुम ये रोल्स में जीने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हम ही सद्गुरु की ये वाणी सुनने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। गुरु तो अवेलेबल हैं, गुरु तो हमेशा मौजूद है और समय समय पर गुरु देह के साथ में यानी सदेह अवस्था में भी इस दुनिया के अंदर आते हैं। चातुर्मास का काल प्रारंभ हो चला है और इस वर्षावास के समय में गुरु लोग एक स्थान पर निवास करते हैं 4 मास के काल के लिए, कोई 4 महीने, कोई 2 महीने, जितना भी जिसका निश्चित समयावधि है वो लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस दौरान वे क्या कर रहे होते हैं? गुरु लोग अपनी वाणी फरमाते हैं और वे इसी खोज में रहते हैं कि कोई तो भव्य आत्मा हो जिसके भीतर इस संसार की भटकन से बाहर आने की अभिलाषा जागृत हुई हो। तो इस तरह से ये वर्षावास का समय हम सबके लिए एक गोल्डन पीरियड होता है। ये जो मासिक पर्व है, जो चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, आषाढ़ का महीना पूर्ण हुआ और श्रावण का महीना आरंभ होने जा रहा है, तो ये जो संधि का समय है, ये चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करने की साधना का अमूल्य अवसर है। तो इस चातुर्मासिक पर्व के दिन सभी साधकों को प्रतिक्रमण करना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप का निरीक्षण करना है और ये देखना है कि मेरे भीतर मैं कितने तरह के निगेटिव इमोशंस में जी रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर मेरे भीतर डर, चिंता, लालच, तनाव या कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए ऐसी नाराजगियां मैंने अपने अंदर इकट्ठी कर रखी है। तो आज इस चातुर्मासिक पर्व के दिन, जो ये चातुर्मासिक प्रतिक्रमण का अवसर होता है, उस दिन में हम सभी लोगों को अपनी नाराजगियों को देखना है और उन्हें अपने भीतर से निकाल कर विसर्जित कर देना है। अपने आप को, अपने मन को स्ट्रांग विल पावर के साथ में, दृढ़ आत्मबल के साथ में ये आदेश देना है कि मेरे भीतर की सभी नाराजगियां दूर हो। क्योंकि जब तक एक इंसान नाराजगी की भाव दशा में रहता है, तब तक वो भला राज कहाँ पा सकेगा? उसे ना तो वह रहस्य समझ आएगा और ना ही वह कोई राज पा सकेगा। तो इसीलिए अगर हम सबको गुरु कृपा का वरदान पाना है, जिसके लिए गुरु पूर्णिमा का सबसे उत्तम दिन होता है, तो चातुर्मासिक के अगले दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, गुरु पूनम का दिन, कि जिस दिन एक इंसान गुरु कृपा का वरदान पा सकता है। बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है। अगर किसी भक्त को अपने इस संसार के जन्म मरण से बाहर आना है, वह जरा सा भी थक चुका है अब इन सब रोल्स को निभाते निभाते, तो अब उसे इस भटकन से बाहर आने की इच्छा अगर जागृत हुई है, तो वह अपने इस अज्ञान और मोह की नींद से जाग सकता है। गुरु पूर्णिमा के दिन वह गुरु के चरणों में पूरी तरह से नम जाए, क्योंकि जो गुरु हैं वे तो पूर्ण हैं, वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे जीवित भगवान हैं। गुरु हमेशा ही पूर्ण परमात्मा होते हैं, इस देह में आते हैं और तब हम उन्हें गुरु कहते हैं। सद्गुरु चक्खु दयाणम है, मग्ग दयाणम है, बोही दयाणम है, वे हमें बोधि देते हैं, ज्ञान देते हैं, दृष्टि का दान देते हैं और सद्गुरु से मिली हुई दृष्टि ही हमें उस अन्य लोक का दर्शन करा सकती है। कहते हैं, नयन बिना पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सद्गुरु चरण को सो पावे साक्षात। बिना नयन की वह बात है जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जो हमारी असली पहचान है, उसको अगर हमें जानना है, उसको देखना है, उसको पहचानना है, तो वह बिना नयन की बात है। इन नयनों से तो वह हमारा असली रूप हमें नजर नहीं आएगा, क्योंकि इन चक्षुओं से तो हमें संसार को ही देखने की आदत हो गई है, बाहरी रूपों को ही देखने की आदत हो गई है और इन्हीं नाम रूप आकारों में हम उलझते ही चले गए हैं। लेकिन अब बिना नयन की बात को अगर देखना है, तो सद्गुरु के चरणों को सेव लें, उनकी सेवा कर लें और तब हमें भी साक्षात्कार हो जाएगा।
गुरु की चरण शरण को ग्रहण करने का सबसे उत्तम दिन है गुरु पूनम। पूरे ही नम जाएं, आज हम सभी ये संकल्प करें कि हम सभी अपने जीवन में गुरु को प्रवेश कराएंगे। एक शिष्य आज के दिन ये संकल्प अवश्य करे कि अगर आज तक मेरे जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं हुआ है तो आज के दिन मेरे जीवन में गुरुदेव का प्रवेश हो। ये एक भावना, एक सच्ची इच्छा ही काफी है। जेन्युइनली अगर हमने चाह लिया ना कि मेरे जीवन में भी सद्गुरु आए, जो मुझे दृष्टि दे, जो मुझे ज्ञान दे, जो मुझे बोध दे, जो मुझे इस संसार से बाहर निकाले, ऐसा ज्ञान कराए, ऐसी कोई दृष्टि प्रदान करे, ऐसा कोई ज्ञान दे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सद्गुरु आएंगे ही आएंगे। तो हम सभी को ये सच्ची जिज्ञासा अपने भीतर आज के दिन उत्पन्न करनी है कि हमारे जीवन में भी गुरु आए और हम उनके चरणों में पूरी तरह से अपना समर्पण कर दें। और अगर किसी के जीवन में गुरु आ चुके हैं, उन्हें गुरु मिल चुके हैं जो उन्हें यह ज्ञान ये बोध करा रहे हैं, तो वे आज के दिन गुरु के प्रति आभारी हो जाए। इस गुरु से मिलने वाली ये जो कृपा है, क्योंकि इस दुनिया में और बहुत तरह की सहायताएं हमें मिल जाएगी। कई लोग फाइनेंशियल हेल्प भी कर देंगे, हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में भी मदद कर देंगे, हमारे रिश्तों को भी सुधारने में हमारी सहायता कर देंगे। जो भी समस्याएं हमें आ रही थी वो सब की सहायता हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें अपने अज्ञान और मोह से जगाने वाले वो सद्गुरु, वो परम सहायता है, वो सहायता हर कोई नहीं कर सकता। इस संसार का तो कोई भी व्यक्ति हमें इस संसार से बाहर निकालने में समर्थ नहीं है, इसीलिए गुरु ही समर्थ है, जो कि इस संसार में आए हैं। हमें दिख रहे हैं कि वे देह में हैं, लेकिन वे इस संसार के हैं नहीं, तो वे ही हमें इस संसार से बाहर निकाल सकते हैं। तो आज के दिन हम सभी लोग उस गुरु कृपा से पाए हुए वरदान को, उस गुरु कृपा से मिले हुए ज्ञान को, उनसे मिली हुई दृष्टि के प्रति हम सभी आभारी हो जाएं, कृतज्ञ हो जाएं, और हम सभी यही भाव भाएं कि मैं भटक रहा था जंगल में, मुझे पथ दिखलाया सतगुरु ने, अंधेरी अमावस छाई थी, मुझे चांद दिखाया सतगुरु ने, मुझे चांद दिखाया सतगुरु ने। गुरु ही हैं जो चांद का दर्शन कराते हैं, जो पूर्णिमा के समान है। तो इस गुरु पूर्णिमा हम सभी इस अमूल्य अवसर का लाभ लें, इसे यूं ही ना जाने दें, अन्यथा अनंत काल तक हम इसी संसार की घाटी में भटकते चले जाएंगे। आज तक भटकते आए, अब तक भटका, जग में अटका, लेकिन अब नहीं भटकना है। अब तो गुरु के निश्रय में आ जाना है, गुरु की ज्ञान वर्षा में भीग जाना है, और अब गुरु के ही चरणों में रहना है, तभी हमारी ये गुरु पूर्णिमा सफल और सार्थक हो पाएगी। हम सभी लोग अपने अपने जीवन में गुरु के ज्ञान का आनंद लें, गुरु के ज्ञान से हम सभी को दृष्टि प्राप्त हो, यही शुभ मंगल। मनीषा, ओम शांति, जय हो।